नमस्कार, लेट्स कुक समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं केले के फूल के पकौड़ी बना रहे हैं। ये पकौड़ी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और काफ़ी अच्छा टेस्टी पकौड़ी बन के तैयार होता है। और केले के फूल का सब्जी पकौड़ी आप जो भी खाइए तो वो काफ़ी फायदेमंद है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी चीज़ मिस कर जाएंगे। तो चलिए पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। केले के फूल का पकौड़ी बना रहे हैं। ये हमने केला का फूल लिए हैं और इसको हमें क्या करना है, से निकालना है और इसमें से हमें क्या करना है, ये जो आपको पतला सा दिखेगा ये दिखा से साफ कर लेना है। ये देखिए, ये सब सारे हमें नहीं निकालना है, सिर्फ जो है ये हार्ड वाला पार्ट एक होता है उसके ऊपर इस तरह से बना रहेगा फूल के जैसे, ये निकाल देना है और ये निकाल देना है। ये से निकाल के हमें साफ कर लेना है। तो फूल को हमने साफ़ कर लिए, देखिए बीच वाला ये सारे हमने निकाल लिए हैं जो आपको बोले थे निकालने के लिए। तो फूल अच्छी तरह से हमने साफ़ कर चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, धुल लेंगे। तो इसे हमें पानी में डालेंगे और दो तीन बार अच्छी तरह से हमें पानी में धुल लेना है। तो इसे हमने फूल को हमने अच्छी तरह से धुल लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन हम इसमें अभी हम 3 चम्मच ऐड कर रहे हैं, अगर बाद में हमें लगेगा तो हमें फिर से बेसन इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम अब ऐड कर दे रहे हैं 1 चम्मच हम लिए हैं छोटा चम्मच से चाट मसाला लिए हैं, और ये 1/2 चम्मच हम इसमें अजवाइन लिए हैं, ये भी छोटा चम्मच है। 1 हमने टमाटर लिए, इसे हमने बारीक कट कर लिए। 2 से 3 हमने हरी मिर्च लिए हैं। हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाले। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च ज़्यादा कट करके डाल दीजिए। इसमें अब हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। तो सारे चीज़ हमने ऐड कर दी, अब इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो हम आपको बोले बेसन, अगर आपको मिलाने के बाद लगेगा बेसन इसमें लगेगा तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। इसे हमें हमने मिला लिए हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा और बेसन डालना पड़ा, 1 चम्मच और बेसन डाले हम इसमें। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिए हैं तो उसके लिए धन्यवाद। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, तेल गर्म होने के लिए रख दे रहे हैं। तेल गर्म होने के लिए हमने रख दिए हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें हाथ से करके इसमें डाल देना है। इसी तरह से हमें हल्का सा हाथ से फैलाते हुए डालना है। तो ये पकौड़ी काफ़ी अच्छा खाने में लगता है और केला का फूल जो है काफ़ी फायदेमंद भी है। ये देखिए, इसी तरह से सारे हमें बना के डाल देना है। तो एक बार में जितना है उतना ही हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तब ये देखिए, हमने पकौड़ी डाल दिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा देर हम इसे पकाए हैं तो गैस को हमें ज़्यादा हाई नहीं रखना है। अब इसे हमें दूसरे साइड से भी पलट देना है। देखिए, डालने के बाद हमें तुरंत टच भी नहीं करना है, नहीं तो टूट जाएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। तो इधर अच्छा क्रिस्पी पकौड़ी बन के तैयार होगा। तो पकौड़ी बन के तैयार है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये कलर आया है पकौड़ी का। हमको इसी तरह का कलर चाहिए। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें बाकी पकौड़ी भी बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, पकौड़ी बन के तैयार है, काफ़ी अच्छा एकदम क्रिस्पी पकौड़ी बन के तैयार हुआ है केले के फूल का। और इसे हम परोस रहे हैं इमली की चटनी और टमाटो केचप के साथ। तो इमली की चटनी जो है वीडियो बना के हम डाल चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर आप ज़रूर करें, आप इसे बना के ट्राई ज़रूर करें और कॉमेंट करके आप बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।